है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार को घेर दिया है। पालघर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। वहीं पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। यह आपको जानकारी दे दें कि संतों की मॉब लिंचिंग में कोर्ट ने 101 लोगों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं 9 नाबालिगों को जुविनाइल सेंटर में भेजा गया है। इसे लेकर संत समाज में भी काफी ज्यादा गुस्सा, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठाया गया है। महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग केस पर अब सियासत तेज हो गई है, और क्या कहा गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, यह आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शुद्ध प्लस पान मसाला पेश करते हैं आज की बड़ी खबरें।